7 साल से तुम लोग बैग उठा रहे हो, कुछ नहीं हुआ जोगिंदर के साथ। सो आप लोगों को पता होगा अभी कुछ दिन से थारा भाई जोगेंद्र और एलविस यादव के टीममेट अनूप चहल के बीच में कंट्रोवर्सी हुई बड़ी पॉडकास्ट वीडियो डिलीट करने को लेकर। बेसिकली जोगेंद्र अनूप चहल भाई के साथ पॉडकास्ट वीडियो करी थी एंड बाद में जोगेंद्र उस पॉडकास्ट वीडियो को देकर ऑफेंड हो गए और अनूप भाई को रिप्लाई करते हुए कहे कि मेरे साइड की चीजों को ट्रिम कर सिर्फ अपने साइड की चीजों को ही दिखाया। और इस चीज के लिए जोगेंद्र अनूप चहल भाई को वार्निंग देते हुए कहे थे कि वो पॉडकास्ट वीडियो डिलीट हो जानी चाहिए, जिसपे अनूप चहल भाई ने भी क्लियर रिप्लाई करते हुए कहे थे कि तुम्हें जो करना है कर लो, पॉडकास्ट वीडियो डिलीट नहीं होगी। इसी चीज को लेकर अभी यहाँ पे जोगेंद्र और अनूप चहल भाई लाइव आए थे जहाँ पे दोनों की लड़ाई हो गई लाइव में ही। मैं आप लोगों की लाइव के वाले वीडियो दिखा देता हूँ। तुम्हें जरूरत थी जोगिंदर की, मेरे को जरूरत नहीं थी। टिकटॉकर को जरूरत थी, टिकटॉकर को। अबे वो टिकटॉकर तुमने क्या उखाड़ लिया जिनके, मैं ये बताओ तुम कुछ कर पाए ना। इंस्टाग्राम पे आने की जरूरत थी भाई, तुम्हें जरूरत थी जोगिंदर का नाम लेके फेमस होने की। 7 साल से चमचागिरी कर रहे हो तुम लोग जोगिंदर के साथ, जोगिंदर के साथ दो दिन अंदर हिंदुस्तान में जो है कुछ कर ले। ये रोस्टर की दिन है भाई, तू मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। 7 साल से तुम लोग बैग उठा रहे हो, कुछ नहीं हुआ जोगिंदर के साथ। 7 दिन के अंदर वो काम हो गया जो तुम लोग कर नहीं पाए, तुम लोग समझ गए। ये तुम भाई, भाई देखो हम ना कर पाएंगे स्टैंड वे टाइम पे पर्ची काटने का, हम तो करना पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम करो ये काम पर्ची काटने का। पर्ची का भी एक काम होता है, अगर तुम लोग उस काम को छोटा बताते हो तो तुम्हारी सोच थर्ड क्वालिटी की है। तुम जैसे लोगों की वजह से ना बदनाम करते हो जैसे लोगों को। पर्ची काटना छोटा काम है क्या? किन जैसे लोगों को? अरे ये बताओ, तैने एक बार, अरे मेरी बात सुन, तैने पॉडकास्ट में एक बात बोली, अरे मेरी बात तो खुल है। अब तेरी बात क्या है? मेरे को तुम कुछ नहीं आगो। नहीं मेरी बात सुनो, तो मेरी बात सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। तुम लोग आज एसी के अंदर बैठ के, स्टूडियो के अंदर बैठ के तुम अगर ये वाली बात बोल रहे हो कि पर्ची काटने का काम है, क्या ये पर्ची काटने वाला आदमी नहीं है क्या? पैसा मोटा आदमी है। अबे किसको में तुम जीते हो? अरे बिल्कुल आदमी है भाई, लेकिन ये हवाबाजी ना करते, वे साइड में ऐसा गाड़ी ना दिखाते जैसे तू लाइव पे दिखा रहा है। फिर बात कैसे कर रहा था भाई मेरे से? तुमने क्या बोला? मैं तुम्हारे साथ लाइव आया भाई, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ लाइव आया था, तुमने क्या बोला? दिखा, मैंने दिखाया, फिर तुमने क्या वाली बात बोली पर्ची काटने वाली? अबे गरीब गरीब नहीं होते क्या? अच्छा अब ठीक है, अब पॉडकास्ट पे आ जा भाई, गरीब होते हैं। हाँ आ जा। अब ये बता भाई, तुझे फेमस करने में जितने भी रोस्टर भाई उनका कोई हाथ को फेमस करने में मेरी माँ का आता है, मेरी कामयाबी का आता है, मेरी मेहनत का आता है। तुम जैसे को आता है क्या? निकल लो। क्या क्या कह रहा हूँ? तुम क्यों नहीं हो पाए, तुम कामयाब क्यों नहीं हो पाए? तुम्हारे पीछे तो बहुत ग्रुप है तुम्हारा, तुम्हें 7 साल से ठीक है, 7 साल से तुम काम करो, तुम क्यों नहीं हो पाए? अरे जोगिंदर सुन, हम तो ठीक है भाई, मैं अपने दम पे काम बुलवाते हूँ, मैं अपने दम पे कामयाब हुआ हूँ। अरे भाई पता हो कितना अपने दम पे कामयाब हो रखो, तेरी सब पता हो भाई मेरे, बताओ बताओ मैंने क्या गलती करी है? किसी को ऐड मत करो इस लाइन में, कोई ऐड नहीं होगा तीसरा आदमी, यहाँ दो पे बात होगी बस, कोई ऐड नहीं होगा। हाँ दो पे होगी, तू क्यों डर रहा है? मेरे को डर लगेगा क्या? तो डराता है जोगिंदर को, डर नहीं लगता, तुम लोग डरते हो, पसीना आ रहा है तुम्हारे मुंह पे, साफ साफ दिख रहे हैं, कैसे साफ रहे हो? हवाबाजी तो इतनी कर रहे थे तुम यूट्यूब के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर दिख गया मुंह इतना सा हो गया, उंगली दिखाई अपनी। बाकी किसी यहाँ पे आप लोग क्या कहना चाहते हो, जोगिंदर और अनूप चहल भाई को लेकर क्या ओपिनियन आप लोगों का, नीचे कमेंट करके जरूर से लिखिएगा। तो चलो यार फिलहाल इतना ही अपडेट था, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।